तो गाइस क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको टाइटल से पता लग गया हो कि मैं क्या बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो भाई यही है कि कल शाम को ऑफिस से आ रहा था, तो मतलब जैसे बाइक स्टार्ट करी निकला ऑफिस से भाई, तो क्या हुआ एकदम से दूसरा डाला, दूसरे जब तीसरा गियर डालने लगा ना, वो डल तो गया मतलब वो, लेकिन बाइक न्यूट्रल हो गई। उसके मैंने चौथा डाला, मतलब दो तीन बार मैंने ट्राई करा, मैंने कहा हो क्या रहा यार, बाइक न्यूट्रल कैसे हो रही है, मुझे पता ही नहीं चला पहले तो कि थर्ड गियर का सीन है। फिर मैंने भाई बार बार चेक करा ऊपर नीचे सारे गियर डाल के देखे, सब चल रहा था, बस थर्ड गियर काम नहीं कर रहा था। तो इसी के रिगार्डिंग मैं शोरूम गया था, शोरूम वालों ने मुझे क्या बोला है कि भाई ये इंजन खुलेगा और दिक्कत हो सकती है, या तो तुम्हारा अंदर जो शाफ्ट लगा होता है वो ख़राब है, वो गया, या फिर जो थर्ड गियर है वो ख़राब हो गया। तो अब देखते हैं क्या सीन है, उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई है और आगे अप्रूवल के लिए भेज देंगे, आज नहीं भेजेंगे वो कल भेजेंगे वेडनेसडे को। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि दो दिन के अंदर अंदर इसका अप्रूवल जल्दी आ जाता है ऐसी चीज़ों का, तो बता देंगे। और वो ऐसी बाइकों पे जैसे इंटरसेप्टर हो गए 650 cc बेसिकली बोलो तो रॉयल एनफील्ड की, तो इस पर वो जनरली विदाउट अप्रूवल काम नहीं करते, अगर अप्रूवल आएगा तो वो बताएंगे अच्छा भाई ये प्रॉब्लम है, तो जैसे वो बोलेंगे कंपनी से तो वो वैसे ही कर देंगे। अब देखते आई होप कब ठीक होगी, इस वीक तो मुझे लग नहीं रहा ठीक हो पाएगा, नेक्स्ट वीक तक शायद, इस वीक के एंड तक भी शायद ठीक हो सकता है, बाकी देख कब तक होता है। और जनरली ये मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ था सेम दिक्कत, उसका कुछ शाफ्ट खराब हो गया, टूट गया था ख़राब हो गया था, तो वो रिप्लेस हुआ था अंडर वारंटी, मेरी भी अंडर वारंटी है, तो आई होप अंडर वारंटी यार सब कुछ हो जाए भाई, भगवान बचा लेना, सब कुछ वारंटी के अंदर करवा दो। बस उसके इंजन ऑयल के पैसे लगे थे, तो मैं देखता हूँ अगर मेरा सेम इंजन ऑयल ही डल पाए तो वापस बेटर है ना भाई। और दूसरी बात एक और, ये चीज़ सेम एक जो फ्रेंड के साथ हुआ था वो बता रहा था, उसके एक और फ्रेंड के साथ हुआ था सेम इंटरसेप्टर बेकर एक्सप्रेस के साथ, पर एक साल पुरानी, ये जो इशू आता है एक साल बाद आता है, मुझे जितना पता चला लोगों से एक साल बाद ये इशू आता है। अगर आपको भी आया तो मुझे बताओ कि आपको अभी आया है या फिर काफ़ी टाइम बाद आया या नहीं आया आपको, तो मेरे को भी एक साल बाद आया इसका लगभग मतलब एक तो नहीं डेढ़ हो गया इसको, आई थिंक डेढ़ भी नहीं, हाँ डेढ़ साल, तो इतना टाइम हो चुका है इस बाइक को। अब देखते हैं क्या सीन है यार, बस जल्दी ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, होप तो यही करते हैं। अगर और कुछ आपको कुछ पता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने जो फेस करी हो तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या सीन है। और एक और चीज़ बाकी, देखो मैं राइडिंग वगैरह भी नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से, मतलब व्लॉग नहीं कर रहा था बेसिकली, राइड तो कर रहा था, मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था, मैंने अपना कैमरा जो था मेरा DJI का वो मैंने सेल कर दिया है, अब वेट कर रहा हूँ मेरा नया जो कैमरा आएगा कौन सा आएगा पता नहीं, देखते हैं बहुत जल्दी आएगा, तो उसके बाद दोबारा मोटर व्लॉगिंग चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो बस आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो भाई, 3 मिनट की 3-4 मिनट की, यही बताना था कि भाई जो चल रहा है मेरे साथ आजकल, अब देखते हैं क्या होता है भाई, आई होप फॉर द बेस्ट। बाकी शोरूम वालों में छोड़ते हैं, सब कुछ वारंटी में जाना चाहिए, बाकी देखते हैं। ओके टाटा बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।